ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिंदगी और मौत से जूझ रही सुमन को मोतिहारी के ही एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालात बिगड़ने के बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया। 19 जुलाई को उसे पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां बेड न होने का हवाला देते हुए उसे इमरजेंसी वार्ड के बाहर फर्श पर लेटा दिया गया। वही इलाज होता रहा। इसी बीच अस्पताल की लापरवाही और अपने पति की हैवानियत की दंश झेलते हुए सुमन की मौत हो गई। परिजनों ने न्याय के लिए उसके शव के साथ आईजी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। यह सुनकर ही अजीब लगता है कि पत्नी अपने ही पति की हत्या करवाए और सब कुछ लाइव देखे और उसे तब तक देखती रही जब तक उसके पति ने दम ना तोड़ दिया हो, और यह सब करने के बाद 2 दिन तक इतना रोई कि किसी का भी दिल पसीज सकता है। पहले उस औरत को इश्क हुआ, फिर इश्क ने उसे अंधा बना दिया, अपने आशिक को खंजर दिया। उस औरत ने खुद अपनी 1.5 साल की बेटी को गोद में उठाया और उसके बाद अपनी आंखों के सामने अपने पति को मारते हुए देखती रही। वो मौत का मंजर देख रही थी और उसकी मासूम बेटी रोती रही। सूरत की एक लालची बीवी की खौफनाक कहानी। सूरत के उस मकान के मातम पसरा हुआ था। घर में जवान मौत हुई थी, घर के मालिक का कत्ल हुआ था, लिहाजा हर कोई उदास और सोगवार था। शादी के महज कुछ साल के अंदर ही वह खूबसूरत औरत विधवा हो गई थी। हर कोई उसके दुख की बात कर रहा था, उसका रोना चीखना हर किसी को रुला रहा था, क्योंकि उसकी तो दुनिया ही लुट गई थी। मगर वो दिन बाद पुलिस के आखिरकार कातिल को पकड़ ही लिया। जब कातिल को सामने लाया गया तो हर कोई हैरान रह गया। वो कातिल कोई और नहीं, मारने वाली खूबसूरत बीवी ही थी। हकीकत सामने आने पर सब हैरान रह गए। किसी ने सच ही कहा है कि किसी के चेहरे पे मत जाओ, चेहरा अच्छे अच्छों को धोखा दे जाता है। अब जिसे 48 घंटे तक घर वाले दोस्त और रिश्तेदार उसे चुप करा रहे थे, उसे दिलासा दे रहे थे, वो अपने दिल में कितने बड़ा राज लेकर दुनिया को छका रही थी, वो कैसे आंसू बहा रही थी, पता नहीं वो आंसू कहां से ला रही थी। गुजरात के सूरत से निकली यह वो दास्तान है जो इंसानी रिश्तों को एक और जख्म दे गई। एक बीवी अपने ही आशिक के हाथों अपने शौहर का कत्ल करवाती है। ना सिर्फ कत्ल करवाती है बल्कि खुद खड़ी होकर आखिरी वक्त तक यह देखती रहती है कि वो मरा है या नहीं। फिर उसने पुलिस और दुनिया वालों के लिए एक कहानी गढ़ी। उस कहानी पर पूरे 2 दिन तक पूरी ईमानदारी से एक्टिंग करती रही, रोती रही, बेहोश होती रही, भूखी प्यासी रही, ताकि दुनिया वालों को यही लगे कि पति की मौत से बड़ा सदमा उसके लिए कुछ नहीं था। पर जब सच सामने आया तो अंजाम हथकड़ी बना और इल्जाम कत्ल का। सूरत शहर के एक सबसे पौश इलाके में एक बड़ा आलिशान बंगला कपड़ा व्यापारी दिशित जरीवाला का है। 25 साल का दिशित को 2 साल पहले ही वेलसी नाम की एक खूबसूरत लड़की के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों को प्यारी सी एक बेटी भी हुई जो अब 1.5 साल की हो गई थी। मगर वक्त ने भी वेलसी को उनका पुराना वक्त भूलने नहीं दिया। दरअसल वेलसी शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, मगर वेलसी और उसके आशिक की शादी अलग अलग कहीं और हो चुकी थी। इसके बावजूद दोनों इस सच को कबूल करने को तैयार नहीं थे, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिसे पूरा सूरत शहर कभी नहीं भूल पाएगा। साजिश ऐसी थी कि सभी लोग कातिल से ही हमदर्दी जता रहे थे, और यह तब तक जब तक कि उसकी साजिश और प्लानिंग का पूरा पर्दाफाश नहीं हुआ, और इस साजिश का खुलासा 6 झूठ से हुई। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस रात। वो दिन था मंगलवार। सूरत शहर का पौश इलाका पार्ले पॉइंट, यहां मौजूद एक आलिशान घर में सुबह से मातम का माहौल था।
वजह थी जाने माने कपड़ा कारोबारी दिशित जरीवाला का कत्ल। दिशित का कत्ल देर रात उसके घर में हुआ था। उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दिशित, उनकी पत्नी वेल्सी और 1.5 साल की बेटी। घर के अंदर जिस बेडरूम में कत्ल हुआ वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था। पहली नजर में देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि घर में लूटपाट हुई है। उस रात की कहानी बताने के लिए एकलौती चश्मदीद गवाह वेल्सी ही थी, लेकिन उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही था। लिहाजा पुलिस ने वेल्सी के किसी तरह पूछताछ की। पूछताछ में वेल्सी बताया कि रात को तीनों किसी रिश्तेदार के घर से डिनर पर गए थे। वहां से करीब 9:30 बजे लौटकर घर आए, फिर ऊपरी मंजिल पर अपने बेडरूम आ गए, लेकिन उस रोज दिशित नीचे पार्किंग एरिया की लाइट ऑफ करना भूल गए थे। लिहाजा दिशित पार्किंग एरिया की लाइट ऑफ करने के लिए फिर से नीचे गया, लेकिन जब काफी देर बाद भी दिशित ऊपर बेडरूम में नहीं लौटा तो उसने आवाज लगाई। दिशित ने तब जवाब दिया कि वो ऊपर आ रहा है, लेकिन इसके कुछ देर बाद उसने जो कुछ देखा वो बड़ा डरावना था। वेल्सी ने बताया कि 3 नकाबपोश लुटेरे दिशित के गले पर चाकू रखकर उसे ऊपर लेकर आए, और आते ही पहले उन्होंने उसे और उसकी बेटी को बाथरूम में बंद कर दिया, मगर बाथरूम में बंद करने से पहले वो उसके पहने जेवर भी लूट कर ले गए। जब काफी देर बाद उसे लगा कि लुटेरे घर से चले गए, तब उसने बाथरूम का शीशा तोड़ा और फिर शोर मचाया। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए, जिसके बाद ही उसे पता चला कि दिशित का कत्ल हो चुका है। पुलिस ने जब एक एक बात की पड़ताल की तो उसे पता चला कि ऐसी 6 बातें हैं जो वेल्सी ने झूठ बताई है। वेल्सी ने बताया था कि उसके पति नीचे पार्किंग की लाइट बंद करने गया था, जबकि तफ्तीश के बाद पता चला कि पार्किंग की लाइट का एक स्विच ऊपर के बेडरूम में भी है। वेल्सी ने कहा था कि लुटेरे दिशित के गले पर चाकू रखकर जबरदस्ती घर में घुसे थे और दिशित को चाकू की नोक पर ऊपर लेकर आए थे। जब उन्हें कत्ल ही करना था तो दिशित को नीचे भी मार सकते थे। वेल्सी ने कहा कि लुटेरे घर से एक कीमती सामान और यहाँ तक कि उनके जेवर भी लूट कर ले गए। हत्यारों का मकसद अगर लूटपाट ही था तो जिस दिशित को उन्होंने मारा उसके हाथ का सोने का कड़ा, अंगूठी, पर्स क्यों छोड़ दिया? वेल्सी ने कहा था कि लुटेरों ने दिशित से हाथापाई भी की। दिशित चश्मा पहनता था, मगर उसका चश्मा कहीं गिरा नहीं। वेल्सी ने लुटेरों की तादाद 3 बताई थी, जबकि घर के सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ 2 ही लोग नजर आए। यहां तक कि सीसीटीवी कैमरे में वारदात का वक्त और वेल्सी का बताया वक्त भी मेल नहीं खा रहा था। बस इन 6 झूठ से पुलिस की सारी तफ्तीश पलट दी। वेल्सी से सख्ती से पूछताछ करने के बाद वह पूछताछ रंग लाई और वेल्सी ने सारी सच्चाई उगल दी। वेल्सी अपने एक पुराने आशिक से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह शादी अपने पति के कत्ल किए बिना भी कर सकती थी, लेकिन इसमें उसका नुकसान था। वह चाहती थी कि अपने पति की करोड़ों की जायदाद अपने नाम हो जाए। वेल्सी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि वह सुकेतु नाम के एक शख्स से प्यार करती थी, मगर दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई थी। इसके बावजूद सुकेतु और वेल्सी मिलते रहे और शादी का फैसला कर लिया। दिशित से अलग होने की बजाय वेल्सी ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, क्योंकि इससे वेल्सी दिशित के करोड़ों की जायदाद की हकदार हो जाती। कत्ल के लिए उसने एक ऐसी रात चुनी जिस दिन उसके घर पे उनके सास ससुर के अलावा सारे करीबी रिश्तेदार उस रोज शहर से बाहर गए थे। प्लान के तहत सुकेतु और उसके ड्राइवर की एंट्री के लिए वेल्सी ने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया था। दोनों नकाब, रेनकोट, चाकू, मिर्च पाउडर और दूसरी चीजों के साथ घर में घुसे और उन्होंने घुसते ही बिस्तर पर सो रहे दिशित को मार डाला।
जब दोनों दूषित का कत्ल कर रहे थे, वेल्सी वही बेडरूम में खड़ी होकर अपने पति का कत्ल होते देख रही थी। इसके बाद पूरे मामले को लूटपाट दिखाने के लिए वेल्सी ने ही सुकेतु को अपने जेवर दे दिए और घर का सारा सामान बिखेर दिया, मगर वो दूषित का सोने का कड़ा, अंगूठी और पर्स निकालना भूल गई। फिलहाल वेल्सी और उसका आशिक सुकेतु पुलिस के हिरासत में है। इस पूरी वारदात में अगर देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो वेल्सी के खुद अपनी 1.5 साल की बच्ची की, जिसके बाप को उसी के मां ने मार डाला। अब मां उसकी जेल में रहेगी। इस 1.5 साल की नन्ही बच्ची के सर से मां और बाप का दोनों का साया उठ गया। तो फिलहाल क्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद। Oh!